रफ्तार पर सवार अनुपमा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। राधा जी आपसे राधा जी आपको क्या हो रहा है? हाँ, वो मुझे कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। हाँ, वो मेरा मतलब है दिन में कई बार। वो आप किसी को भी घर में मत बताइएगा कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मैंने घर में किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वैसे तो मैं आपको भी कुछ भी नहीं बताती, पर अब तो हमारी शादी होने वाली है ना, तो मैं आपसे कैसे छुपाती। शादी? कहाँ चली गई राधा? क्या कर रही है और ये किससे बात कर रही है? अगर आप मना नहीं कर सकती तो क्या उमंग जी? तो मैं उस लड़के की जान ले लूंगा। मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी, आप फिकर बिल्कुल भी मत कीजिए। राधा, राधा, यहाँ क्या कर रही है और किससे बातें कर रही थी? नहीं गोपी बहन, किसी से भी बातें नहीं कर रही थी। मुझे तो बस घुटन सी हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ खुले में चली आई। ऐसा क्या हुआ राधा जो तुझे घर के अंदर घुटन हो रही थी? राधा, तो यहाँ क्या कर रही है? अरे तुझे देखने वो लड़के वाले आते ही होंगे। काकी जी ने कहा है तुझे फटाफट रेडी होने को, चल जल्दी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए बैठिए। बा, ये सावित्री बेन मेहता है और ये गिरीश भाई, और ये उनका बेटा है सुरेश। हम इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। गोपी बहू जाओ, राधा को नीचे लेकर आ जाओ। जी, मैं अभी लेकर आई। कैसे लड़का खुद ही मुझे मना करते इस रिश्ते के लिए, पर ये सब कैसे होगा? राधा चले नीचे, सब इंतजार कर रहे हैं। गोपी बहन, मेरे गले का हार अभी देती। चले गोपी बहन, मैं 2 मिनट बाथरूम में जाके आऊं।
चले। ये मेरी बेटी राधा है। और राधा बेटा, कुछ अपने बारे में बताओ, तुम्हें क्या क्या पसंद है, तुम्हारी खाना बनाने में रुचि है? अखबार ना मुड़ा मत तालू के विरते लाके गयो, वैसे तो बड़ी चपड़ चपड़ करती रहती है। राधा बोल ना, दिख रहा? लगता है राधा शर्मा गई। सुरेश, तुम और राधा यदि अकेले में बात करना चाहते हो तो जाओ बात कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ बेटा जाओ। राधा जाओ। अब तक नाम तो मेरा आप जान ही चुकी होंगी, और ये भी कि हम यहाँ। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। ये आपके दांतों को क्या हुआ? मेरे दांत तो बचपन से ही ऐसे। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? गोपी, मेरा मन कहता है यहाँ रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा, और लड़का भी मुझे बहुत पसंद आया है ना। माँ से कैसे कहूं कि मुझे राधा का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा है। राधा जी आपसे। राधा जी, अरे राधा जी, आपको क्या हो रहा है? हाँ, वो मुझे कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ते। हाँ, वो मेरा मतलब है दिन में कई बार। वो आप किसी को भी घर में मत बताइएगा कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते। मैंने घर में किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वैसे तो मैं आपको भी कुछ भी नहीं बताती, पर अब तो हमारी शादी होने वाली है ना, तो मैं आपसे कैसे छुपाती। शादी? मम्मी, मेरी एक जरूरी मीटिंग आ गई है, अब हमें चलना चाहिए। चलना चाहिए, पर अगर जाने से पहले सुरेश जी का राधा के बारे में क्या विचार है पता चल जाता तो। मुझे कुछ सोचने का समय चाहिए। जो भी उत्तर होगा हम आपको फोन पर बता देंगे। सारू, आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। पता नहीं क्या होगा। चिंता न कर मधु, जो होगा अच्छा ही होगा। इनका जवाब हाँ में ही आएगा। राधा, तुझे लड़का कैसा लगा? हाँ राधा, फटाफट के भागी गई। अरे शर्मा गई होगी और क्या। सावित्री बेन का ही फोन है, लगता है उन्हें हमसे ज्यादा जल्दी है। हाँ जय श्री कृष्ण सावित्री बेन, कहिए। कोकिला बेन, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमें इतना बड़ा धोखा देंगी।
जी आप अपनी पागल बेटी को मेरे बेटे के मत्थे मारना चाहती थी। ये आप क्या कह रही हैं सावित्री बेन? आपके परिवार का नाम और आपसे व्यक्तिगत संबंध ये सोचकर हम आपकी लड़की को देखने चले आए और आपने हमें क्या खूब लड़की दिखाई, वो लड़की जिसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और तो और जिसके दांत तक खराब है। अब जाइए और अपनी पागल छोकरी को किसी और के मत्थे मड़िए। आप जो भी राधा के बारे में बोल रही है सोच समझ कर बोलिए। आपसे ये सारी बातें किसने कही, जरा मैं भी तो जानूं। आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे आपकी दीकरी ने खुद ही बताया है ये सब कुछ मेरे दीकरे को। राधा ने? देखिए सावित, क्या हुआ मेहमान जी? सावित्री बहन कह रही थी कि राधा को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और वो पागल है। क्या? अच्छा, चोकरा वालों ने पर खबर पड़ी गई कि राधा पागल है। उर्मिला बहन, पण विवान जी उनसे ये झूठी बात किसने कही? अब ये बात तो राधा खुद ही बता सकती है हम सबको। जाओ जाकर राधा को बुला कर लाओ, जरा उससे भी तो पूछा जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।